भाई का नाइट में खाने का काम है, खाना बेचते भाई। बॉडी चेक करो भाई की, ओए फालतू नहीं बोलेगा। ओए रो क्यों रहा, ये इसका रोना देखो। डिलीवरी बॉय आए हुए यहाँ पर केक देने के लिए। तो गाइस ये गमले में पानी डाल दो, गमले में पानी डाल दो। सो गाइस मैं जा रहा था घर पे और देखो पिंस्टू रोने लग गई मेरे को देख के। क्या हुआ क्या हुआ? देखो मैं जा रहा हूँ अभी, दोबारा रोएगी। बाय। ये भागी जा रही है मेरी तरफ। हाँ आएगी, गोदी आएगी। गाइस देख सकते हो ये सुबह सुबह उठ गई है और ये मुझे घर जाने नहीं दे रही है, भैं कर रही है दरवाजे के बाहर निकलते ही है, और तीन चार कदम चल के आगे आती है, बैठ के नीचे नहीं गिरता है, हैं हैं है ना। हाँ ये देखो। चल चल जाने दे अब मेरे को, बाय। और देख बुआ भी उठ गई, बुआ उठ गई, बुआ चल लो पकड़ो संभालो उसको शैतान औलाद को। पता क्या किया अभी मैं, अभी घर से मतलब वहाँ से बाहर निकला, मॉर्निंग के 8 और अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर पे, फिर घर से जाना है कहीं और, तो 2-3 जगह पे भी जाना है मेरे को, तो चलते हो उसी तरफ बढ़ते हुए घर। पहले पहले घर जाना है, फिर घर के बाद प्यार शहर होके फिर एक जगह और जाना है, वहाँ से आऊँगा फिर कुछ हटकर वीडियो बनाऊँगा, देखते हैं कुछ आज अलग ही कुछ करने की। तो गाइस ये देख सकते हो फूल वगैरह कितने मस्त लग रहे हैं यार, झूमर देखो झूमर अच्छा लग रहा है, ये फूल भी मस्त लग रहा है भाई प्यारा सा। सामने क्या भाई, ये सामने हैप्पी दिवाली का भाई देखो कितना प्यारा लग रहा है, गणेश जी वाला, गणेश जी की बाउंड्री बनी हुई है भाई, ये भी मस्त है झूमर, ओम वाला झूमर है भाई। और ये शॉप पे अच्छा सा सामान है भाई, वैसे तो देने का मन है मगर अभी मैं जिस तरह की वजह से बैठा हूँ रिक्शा पे, जल्दी जल्दी ले नहीं पाऊँगा सामान, कोई ना घर पहुँच के देखेंगे वहाँ पे शॉपिंग करने की सोचेंगे अगर कर पाए तो ठीक है। यही मस्त लग रहा है झूमर गोल गोल सा। हाँ तो भाई मैं घर पे आ चुका हूँ, मेरे घर में भी सफाई वफाई चल रही है देख सकते हो, मम्मी सफाई करने में लगी है और भाई सो रहा है मेरा, देख सकते हो पूरा का पूरा सफाई हो रही है अभी घर में दिवाली की। और मुझे कुछ काम था, हाँ ड्रायर मशीन का, हमारी ड्रायर मशीन देख सकते हो यार, मैं आज लेट हो गया अपने घर पे आते आते, वहाँ से कहीं चला गया था, मैंने बताया ना आप व्लॉगिंग बनाने का टाइम भी नहीं मिला, तो अभी हम जा रहे हैं ड्रायर मशीन ठीक करने। क्यों तो भाई हमारी स्कूटी भी रेडी है, चल रही है स्कूटी पे ड्रायर मशीन ठीक कराने के लिए। तो भाई फाइनली मैं इस दुकान पे आया था देने के लिए ड्रायर मशीन, तो अंकल ने ड्रायर मशीन तो रख ली अपने पास में, मगर वो कह रहे 1 घंटे में कॉल करना पता करना कि क्या ख़राबी है ड्रायर मशीन में, तो हम 1 घंटे बाद कॉल करेंगे पता करेंगे क्या ख़राबी है ड्रायर मशीन में, उसके बाद ही पता चलेगा क्या ख़राब है या क्या ख़राबी नहीं है। चाबी मिल गई, तो भाई हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, चलो चलते हैं। अभी हम दुकान पे आए थे अंकल जी की ये ड्रेस लेने के लिए किशन जी की ट्रैकलिंग पे, तो अभी लेके जा रहे हैं अंकल से, ये शॉप है। सो भाई ये भाई का नाइट में खाने का काम है, खाना बेचते भाई। ये क्या किस नाम से भाई दुकान का? नाइट नाइट डिलाइट। अच्छा भाई ये भैया की दुकान है छोटी सी देख सकते हो, रात में खुली होती है, जब मर्जी आके सामान ले जाना। ये देख सकते हो ये नाम है दुकान का और फ़ोन नंबर भी है, डिलीवरी भी करते हैं भाई ठीक है, फ़ोन नंबर देख लो। ये भैया बनाते हैं यहाँ पर, एक ही भैया यहाँ पराठे वराठे सब मिल जाएंगे आपको, मेरी वीडियो में देख लेना सही से। भाई हमारे फ्राइडे मार्केट की जाम देख सकते हो आप लोग। कितना जाम हो रहा है फ्राइडे मार्केट में भाई, ये अंकल के बिखरते भाई मेरे को। तो भाई ये फ्राइडे मार्केट का जाम देख सकते हो कितना लंबा है, सारी कारें और रॉन्ग साइड कहाँ आ रही है। ये भाई लड़का जाम लगवाएगा रिक्शा वाला और कुछ नहीं करवाएगा। तो
हम राइडर बन चुके हैं गाइस अभी। बिजली वाले भैया की दुकान आ चुकी है, बिजली वाले भैया के यहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं 2 मिनट में। आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे चेक भी करूँगा चल रही है नहीं चल रही सही से मशीन, किस तरीके क्या खराबी वो पूछूंगा पहले। फाइनली हमारी ड्रायर मशीन मेरे हाथ में है, क्योंकि वहाँ पे अभी ये हुआ कि वहाँ पे थोड़ा ना भीड़ हो रही थी दुकान पे, तो अंकल ने बोला कि बेटा वहाँ पड़ी वहाँ से उठा के ले जा। मैंने वहीं से उठाई, वहीं पैसे रख दिए 50 रुपये लिया, इसमें प्लग चेंज किया और अंदर से कुछ ख़राब था वो सही किया, बस पिन वगैरह कुछ था। मतलब यार ड्रायर मशीन ठीक होती है, तुम भी करा लेना, बंदे के आते नहीं होती। भाई इसकी सुन लो कुछ कह रहा है बहुत देर से, बोल भाई। मैंने दुकान से चेक करके भी नहीं लाया, अब मैं चेक करके देख रहा हूँ चल रहा है कि नहीं चल रहा, 50 लेके पागल बना दिया। सुन लो भाई, तो भाई देख सकते हो मैं घर पे आया, मेरी मम्मी ने दे दिया मेरे को कपड़ा और साफ करने को पंखा, देख सकते हो कितनी गंदी है। दीपावली को ही साफ होता है, दीवारी बार साफ करनी पूरी मेरे को, देख सकते हो पूरे घर की ये जीने का ऐसा बाहर का। तो मेरी मम्मी नीचे खड़ी खिड़की पे, ये पूरा साफ करना और ये हटाना है, इधर एक नया लगेगा। अब पहले पंखा साफ करना पूरा का पूरा, घर की सफाई करने को दे दिया, ये पूरी फोटो वगैरह सारी साफ होगी, सारा सही से साफ करना पड़ेगा। दीवार देखना कितनी गंदी गंदी सी होगी अंदर से, ये देखिए पूरा का पूरा मेरे को दिया साफ करने को। आप देख सकते हो मेरी क्या हालत हो रखी है, पूरा भीग चुका हूँ मैं नीचे तक। तो ये देखो मैंने ये पूरा साफ कर दिया, देख रहे हो पूरा पूरा चमका दिया। ये क्या लगा हुआ, ओ माय गॉड, इधर कुछ लगा हुआ यार, मैंने ध्यान नहीं दिया। ऊपर का देख सकते हो पूरा का पूरा साफ क्लीन कर चुका हूँ मैं, है ना। और दरवाजे दिखाता हूँ अभी अपने आप का, दरवाजा भी कुछ साफ कर दिया चमका दिया देखो। और ये पीछे दीवार देख सकते हो ये पूरी चमक चुकी है मज़ेदार वाली। मेरा ये हाल हो गया ऐसे करते करते, मैं जा रहा हूँ नहाने, चलते हैं नहाने के लिए। तो गैस फाइनली मैं नहा धो के हो चुका हूँ तैयार, तो अब चल रहे हैं बाहर की तरफ। भाई मैंने टी शर्ट यही डाली है नॉर्मली और लोअर, चप्पल कहाँ पर है, चप्पल पहन के जा रहे हैं हम बाहर। तुम्हें एक बात बताऊँ, मैं भी घर से नहा के निकला ही हूँ, मतलब आंटी ने मुझे बोला, बोले भाई की मम्मी ने कि मंदिर चल, मैं मंदिर आया हूँ टेगोर कटर मेट्रो के यहाँ पे, श्री नारायण मंदिर है। तो मतलब भगवान ने बोला बेटा बहुत सफाई कर ली आके, पूरे पाप भी धो ले। मैं पाप धोने आया हूँ, मुझे लेकर जा रहा हूँ अंदर आऊँ। ये देख लो ये मंदिर है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, ठीक है भाई ये आंटी है अंदर। अब मैं जा रहा हूँ अंदर एंट्री करने, तो फिर दर्शन करके आते हैं भगवान की, भगवान ने बुलाया तो दर्शन करना तो बनता ही है ना। भाई फाइनली मैं दर्शन कर चुका हूँ मंदिर में, मैं आपको दिखा रहा हूँ मूर्तियाँ भगवान की, श्री नारायण जी की मूर्तियाँ दिखा रहा हूँ। आप भाई सुनो, अब तो राम राम ही करना है। गाइस अभी अंकल आ रखे रूम में फोटो लगाने के लिए, तो अभी ये रूम देखो कितना गंदा हो रखा है, अभी साफ करना है पूरा का पूरा। मैं देख सकते हो आपको शीशे में नजर आ जाऊँगा, है ना, जो भी है। हाँ ऊपर नीचे देख के, फ़ोन का कैमरा मेरे मस्त है वैसे माना जाए तो, है ना। हाँ कभी कभी फ़ोटो अच्छी नहीं आती, वो बात अलग है, मगर फोटोज तो अच्छी आती है वैसे तो। धुनराना दिल्ली से हरियाणा, दिल्ली से हरियाणा। नए भी रो रहा है, क्या हुआ, डंपल है ये, अच्छा डंपल है ये, वो तेरी बॉडी चेक करो भाई की, ओए फालतू नहीं बोलेगा भाई, हमारे हमारे भाई हुए बस 302, वो तेरी 302। आप रो क्यों रहे हो, आप रो क्यों रहे हो पहले ये बताओ, हैं नेवी रो क्यों रहे हो पहले आप ये बताओ। ये नोनी भाई हमारे, हाय मोटा भाई नोनी भाई, ये डांस, ये डांस सीख कर आया बंदा नया। भाई जो मैं ड्रेस लेकर आया था ना, ये देखिए भगवान के ऊपर चढ़ चुकी है, पहन चुके भगवान जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, ये देखिए सारे भगवानों की जैसी है ड्रेस, देख सकते हो सारी ड्रेस एक जैसी सारे भगवानों की। यही गया था मैं लेने के लिए उस वक्त वहाँ पर दुकान पे, नहीं ये ड्राई क्लीन पे जो दी थी मैं, तो गया था लेने सूरज के साथ।
भाई गोलू भाई किसी के पास लेके जा रही है, मतलब बंदे का भांजा। अच्छा गोलू भाई का भांजा है, उसका केक आज कटेगा ठीक है, तो अभी वहीं जा रही है, बटेगा सब में बटेगा, मतलब कि हम सब में। तो अभी हम जा रहे हैं कालू भाई के घर पे, वहाँ पर केक कटिंग होगा और उसके बाद हम खाएंगे। ओके ये क्या, वो ये क्या, मेरे पास शेर का बच्चा है, दिखाऊं शेर का बच्चा आपको, सबको विश्वास नहीं होगा ना, मैं विश्वास कराऊंगा देखो। ओके विश्वास। फाइनली भाई बर्थडे बॉय ये भाई है, नोनी बर्थडे बॉय है तू, इस भाई का बर्थडे है, विश करो सारे भाई। और भाई सिद्धू मूसे वाले बने हुए देखो, भाई की बर्थडे कैप आ चुकी है भाई, फाइनली हमारा सिद्धू मूसे वाला बाहर आ चुका है। तो गाइस ये गमले में पानी डाल लेते थोड़ा सा, ये गमले में, हेलो सो गाइस गमले में पानी डाल, सो गाइस गमले में पानी डाल लेते, बड्डे टोपी पहन लो, बड्डे टोपी भाई परे जा। सो गाइस आपके बेबी की चार टोपी है, तेरे बेटे की तो देखो पुरदिया चोटी, मेरे को भी ले लो, लो ले जा, हट जा, हट जा ले भाई, अबे हट हट, वो क्या कर रहा है, ओ जी तुम सेफ हो, नए डिलीवरी बॉय आए हुए यहाँ पर केक देने के लिए, आप रख सकते हो। मामी